हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने सर्कल चैप्टर में की थी, राइट। तो बच्चों, आज हम लोग सर्कल में एक थ्योरम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरम, पहला थ्योरम है आपका इस सर्कल चैप्टर का। बेसिकली मैंने इसको हेडिंग दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। जो थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग ओवरऑल जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है बच्चों, सर्कल पर एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। उस टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, उस पे बेस सवाल करना है। तो उस टेंजेंट पे बेस प्रॉपर्टी का एक पहला थ्योरम है। ये थ्योरम कह रहा है टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, यानी एक सर्कल है और उस सर्कल पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया सर्कल पर पॉइंट पी। फिर कह रहे कि इस पी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट पर अगर आप सेंटर से रेडियस यानी कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे मीट कराने के लिए, तो ये कह रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होता है। एक तरीके से कह लीजिए परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, या फिर आपको प्रूफ करना है कि इसकी दूरी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या बच्चों, फिर से एक बार समझिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, यानी आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, इस सर्कल पर आपने एक पॉइंट कंसिडर किया, उस पॉइंट के थ्रू आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्स वाई एक टेंजेंट, ठीक है। ओके, तो कह रहा है कि जो टेंजेंट है, ठीक है, ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि हमने कंसिडर किया है बच्चों, कंसिडर अ सर्कल, हमने कंसिडर किया है एक सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल हमने कंसिडर किया विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड एक्स वाई एक टेंजेंट है, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पी ऑन सर्कल। क्लियर बच्चों, हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और एक्स वाई उस सर्कल पर एक टेंजेंट है जो कि पी पॉइंट से पास कर रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट वी हैव टू प्रूफ दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब समझिए, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ठीक है। लेट अस, ये पूरा थ्योरेटिकल थ्योरम बच्चों, लेट अस टेक पॉइंट क्यू, लेट अस टेक पॉइंट क्यू ऑन लाइन एक्स वाई, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, हमने क्यू पॉइंट लिया है एक्स वाई लाइन के ऊपर। देखिए, नोटिस करिए जो मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो क्यू पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, राइट, लेकिन जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ऐसा होगा, हियर क्यू विल लाई, हियर क्यू विल लाई आउटसाइड सर्कल। क्यू को सर्कल के बाहर लाई करना चाहिए, नहीं लाई करना चाहिए बच्चों, ये बताइए पहले। क्यू पॉइंट में यहां पर लूं क्यू पॉइंट, या फिर इस पॉइंट पर लूं क्यू पॉइंट, यहां पर लूं, यहां पर लूं, यहां पर लूं, या फिर इधर किसी पॉइंट पर लें एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो क्यू जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर क्यू बाहर लाई करना है, इसका मतलब जाहिर सी बात है जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब कि OQ जो हमारा है, इट शुड बी ग्रेटर देन OP। भाई OP क्या है, OP एक रेडियस, OP क्या है बच्चों, OP इज इक्वल्स टू रेडियस। क्यों भाई OP रेडियस क्यों है, क्योंकि
क्योंकि पी एक पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की जो दूरी है उसी को तो हम लोग रेडियस कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यानी कि आप कोई भी क्यू ले लो, ये आप कोई भी क्यू पॉइंट ले लो, कहीं भी आप इस लाइन पर ले लो, ओ क्यू जो है, चूंकि क्यू बाहर लाई करेगा इसलिए ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा होगा। ये क्या लिखेंगे हम? लिख सकते हैं फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, एक्स वाई पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए उसके लिए ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, दस ओपी इज द shortest line from O on XY, right बच्चों? OP जो है वो सबसे shortest line है XY के ऊपर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो shortest line है वो perpendicular होते हैं। Perpendicular से छोटा तो कोई line आप नहीं draw कर सकते ना। We know that shortest line is perpendicular. We know that shortest line is perpendicular. As a result, OP is perpendicular to XY. ठीक है? देखिए, समझिए हमने क्या किया है। हमें कह रहा है थ्योरम में कि आपको बताना है कि भाई एक सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है जिस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो उस टेंजेंट जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से, यानी कि जो रेडियस होगा उस टेंजेंट पर, वो इस लाइन एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। यानी एक तरीके समझिए कि ये कह रहा है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने कंसिडर किया एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी कंसिडर किया, राइट? हमने इस पी पॉइंट से एक लाइन एक्स वाई, एक टेंजेंट एक्स वाई ड्रॉ किया है। हमें प्रूव करना है कि जो रेडियस है ओपी, ये टेंजेंट एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये हम लोग प्रूव कर देते हैं तो हर केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने क्या किया कि जो लाइन एक्स वाई है, इस लाइन एक्स वाई पर एक तो पी पॉइंट हमें नजर आ रहा है जो कि सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, इसकी दूरी यहां से रेडियस के बराबर है। इसके अलावा मैंने ना एक और पॉइंट कंसिडर किया क्यू। अब ये क्यू आप इस लाइन पर कहीं भी कंसिडर करिए, वो क्यू पॉइंट जाहिर सी बात है सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, टेंजेंट जो है वो एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, बाकी सारे पॉइंट्स जो है इस लाइन के वो तो सर्कल के बाहर है। अच्छा, क्यू पॉइंट को आप इस पी पॉइंट पर तो नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा किसी पॉइंट पर लेना है, तो बाकी सारे पॉइंट्स जो कि सर्कल के बाहर हैं, इसलिए आप कहीं भी क्यू लीजिए, सेंटर से उसकी दूरी इसके रेडियस से ज्यादा आनी चाहिए। भाई यहां से ये जो दूरी है यहां तक तो रेडियस है, आपने इतना एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है ना, यानी कि ओ क्यू आपका ओपी से बड़ा होगा। किसी भी पॉइंट पर आप इस एक्स वाई लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके लिए ओक्यू ओपी से बड़ा होगा, ठीक है? और जो ओपी है वो आपका रेडियस के बराबर है, ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है, ओपी इस एक्स वाई के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट लाइन, इसके अलावा कोई भी रेडियस के बराबर है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए ओक्यू कहीं भी, वो रेडियस से बड़ा होगा। तो चूंकि ओपी सबसे छोटा लाइन है और सबसे शॉर्टेस्ट लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब यही हुआ कि ओपी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बच्चों? अगर एग्जाम में आता है आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने
जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है उसको बेस्ड एक थ्योरम देखा है। अब जो अगला लेक्चर हम लोग करेंगे इसमें इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग अगला थ्योरम देखेंगे और फिर उस पे बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरम पे बेस्ड सवाल अभी फिलहाल बहुत कम होंगे, आगे फिर अगले थ्योरम में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर ज्यादा सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों आज जो हमने पढ़ा है थ्योरम उस पे बेस्ड 2 से 3 सवाल करेंगे, ठीक है, उसको स्किप नहीं करिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इस थ्योरम को अच्छे से 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाय बाय।